है गाइस, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सो कि बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है, आप देख सकते हैं गाइस, हेयर भी मैंने इतना लंबा लंबा किया हूँ, फिर बैकग्राउंड आप देख सकते हैं ब्लू किया हूँ गाइस। सो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा गाइस, आप लोगों को बिना स्किप किए बताऊँगा किस तरह क्या होता है गाइस, सब कुछ जानकारी इसमें दूंगा, ठीक है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फोटो को लेते हैं अपना, तो ये रहा हमारा फोटो जो कि देख सकते हैं बैकग्राउंड ब्लैक है, फिर भी हम करेंगे इसको ब्लू टोन में, ठीक है। देखिए हम कुछ भी प्रीसेट का यूज़ नहीं करेंगे, हम लाइट रूम का यूज़ करेंगे, पिक्सआर्ट का यूज़ करेंगे और हो जाएगा बैकग्राउंड ब्लू। तो देखिए गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमको जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हमको स्नैपशीट में आना है। देखिए स्नैपशीट में ट्यून इमेज पर आना है गाइस, और हमको इसके एम्बियंस को हाई करना है और हाईलाइट को कम करना है और फिर सेचुरेशन को लो करना है। देखिए इतना करने के बाद हमको जाना है लाइट रूम के अंदर। नहीं गाइस, देखिए एक और काम कर लीजिए, ठीक है। आपको जाना है टोटल कंट्रास्ट पे, इसको लो कर देना है जिससे क्वालिटी हाई हो जाता है, ठीक है। इसे फोटो बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। तो देखिए हमको जाना है लाइट रूम के अंदर, लाइट रूम के अंदर देखिए जाना है। देखिए आप लोग स्किप मत कीजिएगा, जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप कीजिएगा, ठीक है, तभी फोटो सेम बन पाएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो सेम नहीं बन पाएगा, ठीक है। देखिए हम फोटो को ऐड करते हैं, तो देखिए ऐड हो रहा है। तो देखिएगा जी, यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो देखिए ऐड हो चुका है फोटो। देखिए सबसे पहले हमको जाना है लाइटिंग पे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग का एक ऑप्शन है। तो लाइटिंग पे जाना है, इसके हाईलाइट को कम करना है, शेडो को हाई करना है, वाइट को लो करना है गाइस, ब्लैक को भी लो करना है, ठीक है। तो फिर कलर पे जाना है और मिक्स पे जाना है। देखिए जो ग्रीन वाला है इसको हमको लो कर देना है, इसको भी लो कर देना है, सेचुरेशन को पूरा लो कर देना है, देख लीजिए लो करना है। फिर हमको जाना है इस पर, इसको हाई करना है सेचुरेशन को, ठीक है गाइस। फिर हमको दोनों पे जाना है गाइस, फिर दोनों पे आने के बाद सेचुरेशन को लो करना है और इसको हाई करना है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए हमको जाना है सही पे करना है, वाइब्रेंस को हाई करना है, इसको लो करना है, ये गाइस इतना हो चुका है। फिर हमको इस पे जाना है डिटेल्स पे, इसको हाई कर देना है, देखिए गाइस क्वालिटी इसके हाई हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम चलिए ले चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर, आएगा प्रोसेस हम बताते हैं। सो नोटिफिकेशन ये आ चुका है, चलिए हम इसको हटाते हैं। तो देखिए हमको ले चलना है पिक्सआर्ट के अंदर और आगे का प्रोसेस हम करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए हम पिक्सआर्ट में ले चलते हैं अपने फ़ोन को, अपने फ़ोटो को। और बताते हैं आपको ब्लू टोन कहने कैसे करना है बैकग्राउंड को, ठीक है गाइज। जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे आप भी कीजिएगा, ठीक है। सेम ब्लू टोन हो जाएगा बैकग्राउंड। देखिए टूल्स पर आपको जाना है गाइज, और एडजस्ट पर जाना है आपको। फिर देखिए आपको क्लैरिटी पे जाना है, इसको हाई करना है। फिर हमको इरेज पे जाना है और हमको बैकग्राउंड कलर लाना है। जैसे हम कुछ भी यूज करेंगे बैकग्राउंड, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे बैकग्राउंड का होगा, ठीक है, फेस का नहीं होगा। देखिए टेम्परेचर को जाना है, इसको लो करना है। देखिए गाइस ब्लूटूथ आ गया है बैकग्राउंड में। फिर देखिए शेडो को इतना करना है और सेचुरेशन को पूरा हाई करना है आपको। देखिए हाई करना है, क्लैरिटी को भी हाई करना है और कंट्रास्ट को भी हाई करना है, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए गाइस हमको इतना हो चुका है, ब्लूटूथ बैकग्राउंड में आ चुका है, देख लीजिए। फिर हमको टूल्स पे जाना है और स्ट्रेज पे जाना है और इसको हमको अपने हेयर को इस तरह अब जितना उठाना चाहे इसको उठा सकते हैं, ठीक है। देखिए हम इतना ही उठाते हैं, देखिए इसका काम हो चुका है गाइस। फिर हमको इसको सेव करना है, सेव नहीं गाइस, हमको इसको ब्लर करना है, ठीक है। तो देखिए इफेक्ट पे जाना है और ब्लर पे जाना है, ब्लर पे जाने के बाद इस पे जाना है और बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। देखिए ब्लर हो चुका है, चलिए इसको हम ज़्यादा ब्लर करना है, ठीक है। तो देखिएगा जब इतना ब्लर करना है फेस को, तो देखिएगा जी ये हो चुका है। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं और इस फोटो को फिर ले चलना है हमको आर्टिस्ट डेस्क के अंदर। ये पहले ऐसे था, अब ऐसे हो चुका है, ब्लूटूथ बैकग्राउंड में आ चुका है। तो देखिए हमको ले चलना है इसको आर्टिस्ट डेस्क के एप्लीकेशन के अंदर, फिर हम बताते हैं आपको आएगा प्रोसेस। देखिएगा जब आ चुके हैं आर्टिस्ट डेस्क के अंदर, और देखिए हमको जाना है इस पर, और इस पर आने के बाद देखिए सेटिंग को देख लेना है, जो कि आप सेटिंग देख सकते हैं, ये वाला पेंसिल है और इतना सेटिंग है, ठीक है, साइज अपने हिसाब से। देखिए गाइस हमको इसको स्मूथ करना है, देखिए। सो गाइस चलिए हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, स्मूथ को फास्ट कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पर समय बर्बाद ना हो, चलिए हम फास्ट कर लेते हैं। Till I get up, time is barely on our side.
तो दिखेगा जहाँ फेस स्मूथ हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं गाइज। तो चलिए इसको हम ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। और हम जो देखिए गाइज, इसका जो आई है उसका रेड है, तो इसको हम करेंगे ब्लैक। और फिर आगे का प्रोसेस हम करेंगे, फेस पर लाइटिंग देंगे, बैकग्राउंड पर लाइटिंग देंगे और पूरा ब्लूटूथ का बैकग्राउंड, फिर लगेगा फोटो हमारा अच्छा। तो देखिए हमको चलना है स्नैपसीड में और टूल्स पर जाना है गाइज। और देखिए सिलेक्ट पर जाने के बाद हमको आई पे निशान लगाना है, जहाँ पे रेड है वहाँ पे हमको मार्क इस तरह लगाना है, इसको छोटा करना है, रेड पे ले जाना है बस मार्क को, ब्राइटनेस को कम करना है, सैचुरेशन को कम करना है। देखिए यार ब्लैक ये हो चुका है, फिर इसको जाना है मार्क लगाना है, ऐसे ऐसे छोटा करना है इसको गाइज। देखिए छोटा करने में टाइम लगता है, फिर ब्राइटनेस को इतना कम करना है, सैचुरेशन को पूरा कम करना है। देखिए गाइज ये तो हो चुका है, फिर देखिए हमको सिलेक्टिव पे जाना है, हमको लिप्स को रेड करना है। तो फिर सबसे पहले मार्क लगाएंगे और इसको हाई करेंगे, फिर सही करेंगे, फिर इस पे जाना है गाइज, व्यू लिस्ट पे जाना है हमको, इस पे जाना है और बीच वाले पे जाना है। देखिए फिर हम अपने लिप्स को नीचे वाले को इस तरह रेड कर देंगे, देख लीजिए। देखिए इसको करने के बाद फिर हम सिलेक्टिव पे जाना है और इसको जाने के बाद इसको कम कर देना है, जितना करना चाहते हैं उतना कर देना है। देखिए और कम कर देते हैं, तो देखिएगा जितना हो जाने के बाद देखिए हमको फिर जाना है टूल्स पे, इस पे जाना है और एम्बियंस को हाई करना है, सैचुरेशन को लो करना है। देखिए ये हो जाने के बाद फिर हमको इस पे जाना है, सिलेक्टिव पे जाना है गाइस। देखिए यहाँ पे हमको इसको आजमाना है, देखिए फिर हमको फेस पे लाइटिंग दे देना है, देख लीजिए सिलेक्टिव के मदद से, ठीक है गाइस। देखिए ये हो जाने के बाद फिर हमको जाना है लाइट रूम के अंदर, हम करेंगे लास्ट प्रोसेस और फोटो बन के हो जाएगा रेडी हमारा। तो देखिए हम आ चुके हैं और देखिए हमको जाना है लाइट रूम पे, और देखिएगा जब हमको लाइट रूम पे आने के बाद देखिए हमको जाना है अपने फोटो पे, और फोटो पे जाने के बाद देखिए हम क्या करना है। सबसे पहले हमको लाइटिंग में जाना है, हाईलाइट को कम करना है इसके गाइस, बस इतना हाईलाइट को ही कम करना है, इसका काम खत्म। फिर हमको कलर पे जाना है, इस पे जाना है, फिर देखिए इस पे जाना है, इसको हाई करना है। देखिए गाइस देखिए कितना अच्छा टोन आ चुका है बैकग्राउंड और जो आप देख सकते हैं सॉल्ट दोनों पे कितना अच्छा। सो फिर दोनों पे जाना है, इसको लो करना है और हुई को भी लो करना है, बैकग्राउंड पे रेड टोन आ जाएगा, ठीक है, इसको हाई करना है अपने हिसाब से। तो देखिए गाइस कितना अच्छा ये हो चुका है। फिर देखिए हमको एक नंबर पे जाना है, इसको लो करना है, इसको हाई करना है, लिप्स भी कलर हो चुका है। देखिए ये होने के बाद देखिए हमको जाना है वाइब्रेंस को हाई करना है, इसको लो करना है, ठीक है। फिर हमको जाना है इफेक्ट पे और इसके विग्नेट को लो करना है, और फिर हमको जाना है डिटेल्स पे, इसको सर्पेंडिंग को हाई करना है। देखिए और फिर हमको करना है नोस रिडक्शन को हाई, डिटेल्स को इतना कर देना है और कलर नोस को इतना करना है गाइज, और स्मूथ को फुल कर देना। देखिए गाइज पर फोटो बन के रेडी हो चुका है, सो कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ब्लूटून और कितना अच्छा ये फोटो, फेस स्मूथ कितना वाइट हुआ है, ठीक है गाइज। तो होप गाइज वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, थैंक्स।